एक्सरसाइज 1A के अब कोई भी डाउट बचे हैं आफ्टर सीइंग द सॉल्यूशंस, इफ यू हैवंट सीन द सॉल्यूशन देन यू शुड नॉट आस्क, क्योंकि टाइम वेस्ट करोगे। लिखो चैट पे, स्टार्ट करते हैं। 24th जिसका डाउट है उसका नाम आ जाना चाहिए। ट्वेंटी फोर्थ कॉस पी थीटा, इस कॉस क्यू थीटा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, इसको इधर ले आया पी थीटा, ये प्लस माइनस उधर आके क्या हो जाएगा माइनस प्लस, थीटा कॉमन माइनस प्लस, आई होप इतना तो दिमाग लगता है वो पी प्लस माइनस ही होता है। क्लियर है लड़के? यस सर। माइनस प्लस, प्लस माइनस कैसे हो गया साम्या? क्या सर? मैंने कुछ पूछा, माइनस प्लस, प्लस माइनस कैसे हो गया? सर वी ब्रॉट इट टू द लेफ्ट साइड। वो तो हो गया, अब उसके बाद लेफ्ट में मैंने उसका साइन चेंज किया, कैसे करा? ये देख माइनस प्लस को मैंने प्लस माइनस लिखा है, ये कैसे लिखा? बोल बच्चे। सर यू बॉट इट टू द लेफ्ट साइड, तो साइंस दो ही चेंज हो गए, माइनस अरे प्लस हो थोड़ा गया, जो प्लस माइनस हो गया। अपने थोड़ा दिमाग खोल के सुना तो करे यार बच्चे, क्या बोल रहा हूँ? लेफ्ट में तो ले आया वो तो हो गया, ये प्लस माइनस लेफ्ट में लाया तो माइनस प्लस हो गया, उसके बाद का स्टेप पूछ रहा हूँ सामिया, ये माइनस प्लस को मैंने प्लस माइनस कैसे लिखा? दोनों ही लेफ्ट में है ना अभी, तो लेफ्ट राइट क्यों कर रहा है? सर डज नॉट मैटर ना, प्लस माइनस लिखा माइनस प्लस लिखा। तो मैं भी वही बोल रहा हूँ ना, तो वो एक्सप्लेन तेरा लेफ्ट राइट क्यों होना चाहिए सामिया, ओके मैं तो सर, इसके सॉरी बारे में सर। पूछ रहा हूँ ना बस। ठीक है, मैं तो तेरे कंसेप्ट देख रहा हूँ कि क्लियर है नहीं, बस उस सेंस में पूछ रहा था। सर नचिकेत क्या डाउट है इसमें भी आपसे? सर, 24th में मैंने पी को 1 लिया और क्यू को 2 लिया, तो फिर उससे मेरे को वैल्यू चाहिए, उससे मैंने आइडेंटिफाई कर दिया कि आंसर डिनोमिनेटर में पी प्लस और चुप रहे, माइनस क्यू होगा। चुप रहे। ऑब्जेक्टिव अप्रोच करना हो तो करना भाई, तू वैल्यू रख के कर रहा है, वैल्यू रख के करना मतलब क्या हुआ बच्चा? ये काइंड ऑफ लाइक ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, तो जिसको करना हो तो करो, बट उसका ये मतलब नहीं उसे हमेशा सही आंसर आएगा, कभी ऑप्शन इस तरीके के होंगे तो उल्लू भी बन सकता है। हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच नहीं करते हैं व्हाइल वी डिस्कस आवर डाउट्स, तुझे करना है यू कैन डू इट एट द रिस्क ऑफ गेटिंग आंसर रॉन्ग इन द एग्जाम्स इफ सम ऑप्शंस आर लाइक दैट। Is that clear? Well, it is kind of like hidden सर trial only. Values रखना, it's always risky, but you should have the brain to handle it. Okay. सर 29th ट्वेंटी question. निकाल दो। कौन बीच में कूदा? सर सम्यक 29 निकाल दो, मतलब डाउट नहीं है। पहले क्यों लिखा? सॉरी सर, मतलब मैं पहले लिखा था उसका, री अटेम्प्ट किया था, आ गया था, तो मैं डाउट अच्छा, कैंसिल मतलब करना अभी भूल के अभी गया। तूने रिटर्न करा और अभी के अभी आ अभी गया है नहीं रिजल्ट? सर, मतलब कल वापस री अटेम्प्ट किया था उसका, मैं डाउट कैंसिल करना भूल गया बुक में। क्या बोले नमूना अच्छे हो यार तुम सब। थर्टीएथ सम्यक 29 से तो फार इजी क्वेश्चन है लड़के, साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, मतलब इसको भी कैसे नहीं कर रहा है यार, मतलब क्या बोलूं बच्चे हैं, एक्सेप्शन। समय क्या ये अच्छी बात है, आप तू देख ले खुद ही। हाँ एलसीएम लेना नहीं सर। करा तूने? नहीं हाँ थोड़ा क्वेश्चन, जो भी डाउट आ रहा है सामने तेरे लिए एडवाइस है, दो बार, एक बार उस समय अटेम्प्ट कर, एक बार नेक्स्ट डे वापस अटेम्प्ट कर, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। दो बार तो अटेम्प्ट कर मेरे से बिना पूछे, मतलब मेरे से पूछने से पहले। 35th भी तेरा ही होगा? यस सर, सर मेरे को सॉल्व करने पे आंसर सी आया, पीछे डी दिया है।
सिंपल क्वाड्रेटिक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस साइन प्लस 1 इज 0, सब कुछ राइट साइड में, साइन माइनस 2 इंटू साइन प्लस 1 इज 0, साइन 2 हो नहीं सकता, तो मतलब साइन एक्स माइनस 1 होगा, साइन एक्स माइनस 1 होता है 3 पाई बाय 2 पे, विच इज दिस, क्लियर? ओके सर। 27 सर गौरव, सर मुझे इसमें सिर्फ इतना पूछना था, इसको एएमजीएम से कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्योंकि मुझे नहीं आ रहा था, मुझे सब साइन कॉस में कन्वर्ट करके आया सर। हाँ तो वो बेटर मेथड है, बट एएमजीएम से भी कर सकते हैं कि ये ग्रेटर देन 2 है या फिर लेस देन माइनस 2 भी हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव के कारण, समझ रहे हैं? इसलिए तूने मिस कर दिया होगा। हाँ सर वही केस मिस किया। वो रिस्की है बट साइन कॉस से कर ले बेटर, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। 47 लास्ट टाइम, ओके नो डाउट। 49 सर कह रहे, ओके कह रहा हूँ सर। मेरा इसमें ये डाउट था कि सर इसमें हम लोग को वैल्यूज डालते ही चेक कर सकते हैं? नहीं, आंसर निकालो उसमें क्या, tan theta is cot 2 theta, तो कर देते हैं अपन tan theta is equals to 1 upon tan 2 theta। सर वरना tan pi by 2 minus 2 theta लिख सकते हैं? हाँ वैसे भी कर लो, वो बेटर है, सबसे अच्छा वही है। बट वापस बोल रहा हूँ, नाम बोले बिना मत बोला करो, कोई बच्चा हजार बार समझा दिया तेरे को। सॉरी सर। थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। इसका माइक ऑन है भाई, कह रहा हूँ एन पाई प्लस पाई बाय 2, सो थीटा इज इक्वल टू एलसीएम ले लिया 2n प्लस 1 पाई बाय 2, तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 6, ये आंसर है। बट ऑब्वियसली इसमें से बहुत सारी वैल्यूज हटानी पड़ेगी, क्यों? कहीं tan थीटा नॉट डिफाइंड हो गया तो तुम्हें पता है थीटा कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, याद आया? कह रहा हूं यस सर। जैसे यहां पे मैं n को क्या रख सकता हूं, n को 1 रखूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, कम ऑन, 3 पाई बाय 6 पाई बाय 2 हो जाएगा, तो n 1 नहीं हो सकता, हां है ना? Yes, sir. और क्या नहीं हो सकता, जैसे 5, तो 5 तो यहाँ पे 2 किसके लिए आएगा, 5 pi by 2 तो नहीं आएगा, मतलब ऐसे देख सकता है कि 2n plus 1 pi by 6 should not be 2k plus 1 pi by 2, agree का? हाँ है ना लड़के? Yes, sir. तो pi से pi गया, 2 से ये 3 हो गया, 2n plus 1 should not be 6k plus 3, so 2n should not be 6k plus 2, that is n should not be 3k plus 1. हाँ सर। क्लियर? यस सर। 50th लास्ट चांस सर। गोपाल सर, मैंने डाउट नहीं डाला था लेकिन इसमें डाउट था सर। बोल क्या डाउट है? So I had solved the entire thing, normally solved किया था, और फिर एंड में मुझे ऑप्शन सी आया, लेकिन आंसर्स में ऑप्शन डी दिया। अरे वो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हो रहा होगा, देख कोई इसमें नॉट डिफाइंड तो नहीं हो रहा है, जैसे थीटा पाई बाय 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तो ये पाई बाय 2 हो रहा है, नहीं हो रहा चेक कर ले। यस सर, या फाइनल चेक दैट सर। सर नॉट डिफाइंड हो रहा है, क्या हो रहा है सर? हाँ सर, नॉट डिफाइंड आ रहा है इसमें। अच्छा ठीक है सर, फिर समझा। गुड। 53 सर सम्यक। अच्छे, 50 भी तेरा ही डाउट था मेरे को लग रहा है ना पहले? यस सर, मेरा डाउट था पर सॉल्व हो गया।
उसमें tan theta plus tan 2 theta का फॉर्मूला लगा के करना था, तुमका आ गया। तो जब नाम पूछ रहा हूँ तो देखो नाम तो बोलना है ना। यस सर। अब ऐसी गलती हुई मैं तेरा डाउट नहीं लेने वाला हूँ, बार बार बोल रहा हूँ मैं तेरे को। 1 minus sin 2x क्या होता है? 1 minus sin 2x cos x minus sin x का होल स्क्वायर होता है लड़के। यस सर। अंडर रूट एक्स स्क्वायर एवरीवन, इज इट एक्स और इट इज मॉड एक्स? मॉड एक्स। मॉड एक्स। cos x minus sin x का मॉड। अब 0 टू पाई में है तो 0 टू पाई में cos और sin का पैटर्न ऐसा होता है कि रिमेंबर Yes. अगर x है 0 से पाई बाय 4 में तो कौन बड़ा होता है एवरीवन? cos। cos तो तब ये कैसे ओपन होगा? प्लस साइन के साथ, करेक्ट लड़कों? यस सर। यस सर। sin x इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 0 बट 0 अलाउड ही नहीं है तो ये तो गया है ना। यस सर। बट अगर x पाई बाय 4 से पाई है तो कौन बड़ा होता है बच्चों पाई बाय 4 से पाई में? sin। sin। साइन बड़ा है तो ये अंदर वाला पार्ट नेगेटिव हो गया, याद है एवरीवन? मॉड कैसे ओपन होगा एवरीवन? नेगेटिव cos x minus sin। अभी नेक्स्ट चैप्टर में यही सब कराएंगे बट ये समझ में आ गया ना एवरीवन? यस सर। सो cos x इज माइनस cos x प्लस sin x, सो 2 cos x इक्वल टू sin x, tan x इक्वल टू 2। तो कभी कोई एंगल पता नहीं है तो मैंने बताया ना कैसे लिखते हैं x इज इनवर्स tan इनवर्स 2। लड़के सर नचिकेत बोल सर, इसमें हम स्क्वायर करके भी कर सकते ना? यस, पर स्क्वायर करके एक रिस्क रहता है कि यहाँ पे cos x नेगेटिव होना चाहिए, साइन वाइन हमेशा चेक करना चाहिए, cos x सॉरी पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर? यस सर। यस सर। सम्यक। हाँ, क्या राउट है लड़के? सर इसको हम क्वाड्रेटिक का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तूने देखा वीडियो सॉल्यूशन में मैंने कैसा किया? देखा सर। तो वहां भी क्वाड्रेटिक की तरह ही तो किया है सर, बट मैं करने गया तो मैं गलत आ रहा है और मैं करने गया तो सही आ रहा है सर। अरे सर मैं फिर से देखता हूँ कि मैंने कितना कैलकुलेशन में मिस्टेक किया होगा। बता मुझे क्या किया वीडियो सॉल्यूशन में, थोड़ा सा बता। सर डी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 because roots are real। ना वही तो बोल रहा हूँ ना, तू दिमाग नहीं लगा रहा बिना फालतू उसमें। ये quadratic नहीं है, trigonometric quadratic है। तू जो बोल रहा है वो गलत नहीं है बट वो enough भी नहीं है। solution को देखा ही नहीं तूने? देखा है तूने honestly? yes sir। तो वो एक भी स्टेप तक ध्यान नहीं आ रहा तो फिर तूने समझने की कोशिश भी नहीं की है या देखा नहीं है? सम्यक तूने ट्राई भी किया है कि क्या वीडियो सॉल्यूशन में लिखा था, मैंने कुछ समझाया कुछ करा या बस देख के छोड़ दिया या नहीं देखा? देख के छोड़ दिया। फिर मैंने भी छोड़ दिया बच्चे, मुझे भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता सॉरी। बच्चे मैं सामिया तेरे से अब नाराज होते जा रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा इंप्रूव कर जाना, अदरवाइज डाउट पूछने की मतलब कर ही मत तू। मतलब वीडियो सॉल्यूशन में देखने के बाद ट्राई करने की भी तेरी मतलब इच्छा नहीं होती है तो फिर लॉलीपॉप में तेरे मुंह में नहीं डालने वाला, समझ रहा है तू? समझ गया सर। मतलब ये तेरा एटीट्यूड मेरे को दिख गया, ये बिल्कुल बिल्कुल कैजुअल है, थोड़ा सा देखा अरे यार छोड़ो पूछ लेंगे तो फिर ठीक है, मैं भी ऐसा ही करूंगा तेरे हिसाब से। वन बी डाउट्स चैट पे लिखो जल्दी से। तुम मेहनत नहीं करोगे, डू नॉट एक्सपेक्ट मी टू डू एनी हार्ड वर्क फॉर यू इफ यू नॉट डूइंग हार्ड वर्क। उसका एक स्टेप भी बता देता आई वुड बी हैप्पी टू ऑब्लाइज, बट नहीं, ये तो देख के इसने छोड़ दिया, दिख रहा है।
एनीथिंग एल्स लास्ट टाइम? Anisha, mic on girl. Anisha. Bachi, last chance, otherwise I'm removing you. Yes, sir. Itna time kyun lag raha hai mic on karne mein? Nahi, sir. मेको थोड़ा डाउट हुआ कि आपने मेरा ही नाम बोला कि करके नहीं आई ना बुकलेट? नहीं सर, मेरा ना ये चैप्टर का ये चैप्टर में थोड़ा डाउट है क्योंकि मेरा फर्स्ट लेक्चर में ना कुछ रिकॉर्डिंग में डाउट हुआ था, तो मेरा इसलिए मैं वापस से सारे लेक्चर्स री कर रही हूँ, उसके बाद सॉल्व करना है मेरे को। अपने हिसाब से रायता मत फैलाया भाई, तो अपने हिसाब से कुछ भी बोले जा रही है। नहीं, फर्स्ट लेक्चर में मेरे डिस्कनेक्ट हुआ था, तो फर्स्ट लेक्चर के बाद 5 लेक्चर हो गए, तब तक तूने फर्स्ट लेक्चर वापस नहीं देखा? तो देखा था, लेकिन फिर थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो गया दोनों कनेक्ट करने में चैप्टर्स। जी देख, बहुत ही लेम एक्सक्यूज और बहुत ही रॉन्ग एक्सक्यूज दे रही है। फर्स्ट लेक्चर में बाय द वे डिस्कनेक्शन हुआ, जो भी प्रॉब्लम हो गई तो फर्स्ट लेक्चर के बाद सेकंड लेक्चर से पहले ही तू देख सकती थी। फर्स्ट लेक्चर के बाद 5 लेक्चर हो गए, तब तक तू वो एक्सक्यूज दे रही है, तो हाउ कैन इट बी अ जस्टिफिकेशन? ठीक है, मैं तो तेरे को सिंसियर समझता था, आप तेरी जो इच्छा कर। प्रीति, प्रीति प्रीति जवान, करा नहीं करा, जल्दी माइक ऑन करके बोलो। यस सर। जवान किया तूने बुकलेट? हाँ सर, वो सेकंड जो दिया वो नहीं किया, फर्स्ट वाला हो गया। क्या होता है फर्स्ट सेकंड? सर आपने 2 बार दिया था ना होमवर्क, मतलब मैंने जो दिया था वही। तेरे को पूरा चैप्टर करना, पूरा बुकलेट करनी है, वो तेरे को रियलाइज नहीं हो रहा है? तू फर्स्ट सेकंड की बात कर रहा है जवान? सर थोड़ी बहुत बाकी है 1B में से, 1A फुल हो गई। बच्चे तुम सब ऐसा रहोगे, यही क्लियर करना बहुत मुश्किल है बच्चे जवान। कृति किया या नहीं किया? नो सर। क्यों? जेई के बाद करना, आप क्या करेगी, नेट तब तक प्रॉपर हो ही जाएगा आराम से, तब जेई के बाद करना आराम से, है ना? मतलब सच्ची में वेरी क्या क्या एक्सक्यूज सुन तुम सब क्यों इतने, मतलब खुद की बातें तो ऑफकोर्स तुम्हें बचकानी नहीं लगेगी, बट दूसरों की बातें बचकानी लग रही है या नहीं लग रही है सबको? या वो भी बहुत अच्छे एक्सक्यूज है, प्रॉपर है यार, ये तो बनता है। क्या लगता है गोपाल? है नचिकेत? गोपाल का माइक नॉट वर्किंग, ये देखो एक और बच्चा। जय गुरी, माइक ऑन कर। जय गुरी, माइक ऑन कर। हाँ सर। तू भी नहीं करके आया? सर मैं करके आया हूँ। कहाँ तक करा है? सर मैंने 1A को पूरा किया, 1B में 2-3 बाकी है, और 2A 2B मेरा मेजॉरिटी हो गया है। 1A 1B पूरा अटेम्प्ट हुआ है? हाँ सर, 1A फुल हो गया है, 1B में थोड़े बाकी है लास्ट के, बाकी सब हो गया है। माइका? यस सर। अटेम्प्ट किया है बुकलेट? हाँ सर, मतलब 1A 1B पूरा हो गया है, उसके बाद थोड़ा सा बाकी है। चलो इतना तो डिसेंट है। नचिकेत? हाँ सर, मैंने बोला ना, आपने जो मंडे को होमवर्क दिया था ना, उतना आई डोंट केयर अबाउट मंडे होमवर्क और ट्यूसडे होमवर्क, आई डोंट केयर, नोबडी से दैट एक्सक्यूज टू मी। ओके सर। सर मैंने कल क्या, सुन लो, चुप रहो। हाँ सर। अगर तुम मंडे ट्यूसडे बोलोगे दैट इज अ वेरी पैथेटिक एक्सक्यूज। कल चैप्टर हो गया, कल से पहले तुम्हारी 1A 1B की 80-90% तो हो जानी चाहिए थी। हाँ है ना एवरीवन? हाँ सर, उतना कंप्लीट है। और कल मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि रिमेनिंग 20% करके लाओ। हाँ है ना?
हाँ सर यस सर डोंट टेल मी मंडे ट्यूसडे एक्सक्यूज आई डोंट केयर अबाउट दैट ठीक है तू तो ठीक है तूने सिंसियरली कर लिया होगा आई एम श्योर बट तो भी फालतू का एक्सक्यूज मत सॉरी प्रथम प्रथम मिश्रा प्रथम यस करा नहीं करा बच्चे सर आई हैव कंप्लीटेड 1A एंड 1B आई हैव डन हाफ एंड आई हैव चेक्ड माय डाउट्स फ्रॉम पूरा किया है तूने मैं पूछ लूं फिर कोई क्वेश्चन ओके सर आर यू कॉन्फिडेंटली हैव यू डन ऑनेस्टली सर हाफ किया मतलब थोड़ा सा बाकी है 1B 1A कंप्लीटेड अभी तू 1 मिनट जस्ट 30 सेकंड पहले क्या बोला बच्चे यू हैव कंप्लीटेड 1A 1B सर आई बोल रहा है हाफ किया है सर आई शर्ट के 1B हाफ किया मैंने तो ये सुना था यार पहले कि 1A 1B डन सर मैंने बोला था कि 1A कंप्लीट और 1B हाफ किया नॉट गुड बच्चे मतलब कब से चल रहा है चैप्टर 9 लेक्चर्स हो गए बीच में छुट्टियां भी आ गई मत तो यार तुम्हारा बैच मैं बता रहा हूँ फ्लैगशिप से तो कंपैरिजन बहुत पुअर है फिर वैसे ही मार्क्स आएंगे और अभी मैं टेस्ट लूंगा मैंने भले ही बोल दिया थोड़ा टफर लूंगा बोला नहीं बोला सर बोला था आपने सर बोला था आपने फिर रोगे फिर सच्ची बता रहा हूँ पहली बात मैंने टेस्ट संडे को बोला था करेक्ट हाँ सर यस सर तो कहाँ लिखते हैं यहाँ लिखते हैं नोट फर्स्ट टेस्ट संडे को नहीं होगा ट्यूसडे को होगा क्लियर हाँ सर हमारी आजादी सर थैंक यू सर टेस्ट का सिलेबस तुम बताओ ट्रिगो 1 प्लस क्वाड्रेटिक या ट्रिगो 1 एंड ट्रिगो 2 रखूं क्योंकि ट्रिगो 1 ट्रिगो 2 सर दोनों रखूं ट्रिगो 1 ट्रिगो 2 सुन लो सुन लो फायदा ये होगा कि क्वाड्रेटिक के लिए तो अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी यस और नो यस सर थोड़ा पढ़ना तो ट्रिगो को 1 और 2 रखूंगा तो कुछ पढ़ाई नहीं करनी जो तुम्हें कर रहे हो ट्रिगो 2 की बुकलेट वही करनी है लेकिन फिर हमारे टीडब्ल्यूटी के लिए ज्यादा टाइम लगेगा टीडब्ल्यूटी के लिए सर वो रिवाइज हो जाता है ज्यादा फोकस कर सकते हैं सर सर फिजिक्स में हमेशा होता था कि टीडब्ल्यूटी के पहले सर एक चैप्टर का इंडिविजुअल टेस्ट लेते थे बस वही कर रहे हैं ना अपन टीडब्ल्यूटी के एक दिन पहले देखना पड़ता था हम लोग को हां सर जैसे तुम्हारा नेक्स्ट संडे को ट्रिगो 2 का टेस्ट है तो वो प्रिपेयर भी हो जाएगा क्योंकि ये टेस्ट अच्छे लेवल का होगा और अच्छा फोड़ दोगे यस सर यस इसमें फट जाओगे वो अलग बात है ठीक है हां सर हां सर तो पहले ही बोल रहा हूं ये अच्छे लेवल का होगा तो प्रिपेयर सॉलिडली क्लियर यहां तक Yes, sir. Yes, sir. Final है, Trigo 1 and Trigo 2, ठीक है? Yes, sir. Thank you, sir. अरे आजादी. Cancel. Thank you, sir. Thank you, sir. मतलब shift भी नहीं हो रहा है, cancel हो रहा है. Thank you, sir. Thank you, sir. आपको कुछ काम है, तो cancel ही है, तो आजादी उसमें भी अब. हाँ, sir. तो आराम से सुजल और ये साहिल. आराम से सो सकते हो अगर ऐसा एक पूरा बंदोबस्त आप गौरव कर सकते हो तो अच्छा होगा कल ही लेक्चर है ना मेरा बच्चों यस सर कल ही लेक्चर कैंसिल है तो सिर्फ मेरा लेक्चर कैंसिल है दूसरों का ऑफ कोर्स होगा ठीक है सर अगर आप ओके सर थैंक यू सर आपकी सबका कैंसिल करा देना गोपाल क्या बोल रहा है सर अगर आपने उनको ऐसे प्यार से समझाया कि आप भी कैंसिल करो तो कर देंगे हां सर किसको फिजिक्स केमिस्ट्री को हां सर रिटर्न गिफ्ट देता सर तुमने डिसाइड किया तो तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे दैट इज अप टू यू हां सर थैंक यू सर बट मैच में केवीपीवाई में आप होने चाहिए अच्छा मिस करोगे थोड़ा सा तो मेरी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी तो क्लास में तो कम से कम ढंग से पढ़ोगे यस सर आपको कैरो का रूटीन पूछना चाहिए था हाँ सर कैरो का तो सर कैरो सर कैरो बताना चाहेगा कैरो हाँ सर लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है अगर तुम्हें आइडियली थोड़ा एक बताऊं सिनारियो समझो आइडियल सिनारियो ऐसा होना चाहिए कि 8 to 9:30 लेक्चर ले रहे हो बिल्कुल करो लेक्चर देन 9:30 to 10:30 ब्रेक प्लस व्हाट ब्रेकफास्ट ना रेस्ट प्लस ब्रेकफास्ट फिर ऑब्वियसली पढ़ाई करो यार सुबह का टाइम वेस्ट ना कर सकते हो हाँ है ना तू ये बता साहिल माइक ऑन कर यस सर
9:30 से 2 तक सो रहा है, कोई रोकने वाला नहीं तेरे को? सर मम्मी डांटती है लेकिन सर नींद आती है तो क्या करूं? और मम्मी का क्लिनिक पे डॉक्टर है? नहीं सर, मम्मी ऑफिस जाती है। ओके, और घर पे कोई नहीं रहता है? सर मासी रहती है। मासी आल्सो डजंट टेक केयर कि ऐसा नहीं करना या कुछ नहीं एडवाइस करते? सर वो बोलते हैं सर ये कल का स्केड्यूल है सर, ये रोज ऐसा नहीं होता, कल एक ही लेक्चर था इसके लिए। हाँ तो जब भी एक लेक्चर है तब तो ऐसा ही करता होगा ना? हाँ सर। अच्छा, और तू सुजल? सुजल यस सर। क्या घर पे कोई नहीं रहता है सुबह सुबह? सर रहते हैं ना, मतलब मम्मी रहती। तो मम्मी कुछ नहीं बोलती है? शिफ्ट में काम करते हैं। हाँ सर, मैं अभी टाइम टेबल वैसे बना रहा हूँ सर अभी। अरे बना रहा, मेरे को मत बना यार, मेरे को तो रियल बता दे कि तेरी मम्मी कोई नहीं नहीं मम्मी हाउस स्टॉप यू हाँ या यू डोंट लिसन? सर अभी आपके टाइम टेबल पूछने के बाद सर थोड़ा सा लेक्चर सुनना पड़ा था ना, मम्मी इधर ही थी बाजू में। मम्मी थी ना इधर? हाँ। उन्होंने सुना ये सब तेरी हरकतें? हाँ सर डांटा। तो बच्चे अब अपन इतने बड़े हो गए कि आई होप इससे तुम्हें यूं इरिटेशन नहीं होना चाहिए ना, कि मतलब कि तुम्हारी मदर को बता, मैं बताऊंगा तो ऑब्वियसली नहीं, मैं तो सबको कॉमन सेंस में बोल रहा हूँ, बट तो भी तेरे को इरिटेशन नहीं होना चाहिए। उनकी एडवाइस को सुन यार, थोड़ी हरकत है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता तेरे को घर पे तेरे साथ, बट पेरेंट्स की इतनी तो सुनो कम से कम कि ये हरकतें मत करो। कोई बच्चा अगर 4 बजे तक पढ़ रहा है तो वो तो सबसे ज्यादा बेकार हरकतें कर रहा है। Even if she or he says कि मेरी रात में पढ़ाई होती है, अगर सुबह 8 बजे लेक्चर है तो कैसे पढ़ सकते हो तुम? 10:30 से तुम्हें अब क्या करना चाहिए? Yes, अब तक सेटिंग की थोड़ी हैबिट भी इम्प्रूव हो गई होना हो जानी चाहिए। हाँ ना सर, लंबे घंटे बैठ सकते हैं। 10:30 से 12 तक तुम्हें सारे चैप्टर्स के नोट्स को कंप्लीट प्लस रिवाइज करना चाहिए। बताओ ये है ना फर्स्ट स्टेप एवरीवन? सब्जेक्ट्स के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के आधे आधे घंटे में हो जाने चाहिए ना, अगर क्लास में सिंसियरिटी से पढ़ रहे हो। उससे पहले रात को अगर इनफ नींद के साथ सोए हो तो क्लास में ढंग से ही पढ़ाई की होगी। आए ना? यस सर। तुम बताओ कि आज तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, बट यूजुअली आधे घंटे में कंप्लीट नहीं हो जाएगा नोट्स का रिविजन? हो जाएगा सर। तो ये होता है 10:30 से 12 में नोट्स रिविजन। चलो अपन एक्स्ट्रा टाइम दे दिया कि 12:30 तक, किसी में वाइद में कुछ क्वेश्चन सॉल्व में नहीं आया तो रिकॉर्डिंग देखनी पड़ी या वॉट एवर, 12:30 तक। फिर आई डोंट नो, आधा घंटा रेस्ट कर लो, एक से अगर लंच जल्दी करते हो तो लंच कर लो, लंच लेट करते हो तो ठीक है 1 से 2 आप किसी भी एक सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चंस किए, लेट्स से मैथ या मैथ की प्रैक्टिस की, अभी दिन का टाइम है, मैथ प्रैक्टिस जो भी होमवर्क दिया है सर पीरियडिक अच्छा रहे। 2 से तुमने लंच कर लिया और लंच के बाद इमिजिएटली तो सोना नहीं चाहिए, बट लेट्स से तुम सो जाते हो तो 2 से 4 लंच प्लस रेस्ट। अब 4 से तुम्हें 6:30 तक वापस सेटिंग कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करनी है, यू नहीं एक एक घंटे पढ़ सकते हो, समझ रहे हो? हाँ सर। 4 से 5:30 तक लेट से मैथ को, अब मैथ की पूरी प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली आज की, या फिर चलो 4 से 6:30 दो, एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट करने चाहिए। मेरी एडवाइस तो ये है मोमेंटम में थोड़ा होमवर्क करो, अगर नेक्स्ट डे वापस ऑफकोर्स 3ों का लेक्चर है तो फिर ठीक है वो 3 करने पड़ेंगे, अदरवाइज आई एम सेइंग यूजुअल ट्रेंड में तुम्हारे ऑल्टरनेट डे लेक्चर होते हैं तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट करने चाहिए, समझ में आ रहा है? यस सर। 6:37 तक, 7 तक मान लो करा, 7 to 8 थोड़ा खेलने का प्ले करो, 8 से 9 तक लेट से डिनर किया, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, और ऑब्वियसली पढ़ाई करने ही बैठे हो तुम यार, तो 9 to 12 फिर वापस दूसरा सब्जेक्ट उठाया, सब्जेक्ट 2। मतलब अगर तुम जेई स्टूडेंट हो, अगर जेई एडवांस क्लियर करना चाहते हो तो ऐसी हैबिट होनी चाहिए। अब इसमें कोई भी डाइवर्जन हो रहा है तो फिर तुम ही सोच लो भाई, कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा तुम्हें। अगर तुम बोल रहे हो कि एक पर्सनल ट्यूशन क्लास या कुछ और तुम्हें चाहिए तो करो भाई, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, बट एट द सेम टाइम फिर दूसरी चीजों को कम तो करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी को कम कैसे कर सकते हो तुम बताओ? हाँ सर, यू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस? यस सर। और ये कब का मैंने बताया? कल जब तुम्हारे पास टाइम काफी था, अगर 8 to 2 का ही टाइम क्लासेस में कंज्यूम हो गया तो सेल्फ स्टडी कितना कम मिलता है, हाँ है ना? यस सर। तुम रियलाइज करो क्या होना चाहिए तुम्हारे लिए चीजें। हाँ सर। ओके, एनीथिंग यू वांट टू आस्क बिफोर आई कंटिन्यू? नहीं सर। सर आर्यमान। सर हाँ आर्यमान बोल। सर 2-3 होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करने थे सर। वही कर लेंगे अभी आर्यमान, तू मुझे याद दिलाएगा। नेक्स्ट ध्रुविल। सर
सर आपने बोला था कि फ्लैगशिप वाले कुछ स्पेशल करते सर, वो क्या मतलब? मैंने क्या बोला स्पेशल करते सर? मतलब वो स्मार्ट हमसे बहुत ज्यादा ऊपर लेवल के, मतलब मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने बस बोला कि वो पैशनेटली पढ़ रहे हैं, अच्छी तरह सिंसेरिटी कर रहे हैं, एक डेढ़ घंटे पढ़ने के बाद छह घंटे रेस्ट नहीं ले रहे, ये तो ऐसी हरकतें तो कभी नहीं हो रही है। क्लास का ऑब्वियसली बैच का माहौल बैच को स्टीयर और अच्छा करता है, तुम्हारा भी मैच का माहौल तो ठीक है बट तुम्हारे सेल्फ स्टडी आवर्स तो कम है। चार बच्चों से देखा, देखो एक भी मुझे आइडियल नहीं मिला है, आइडियल क्या है, क्लोज टू आइडियल भी नहीं है, बताओ मैंने तो रैंडम पकड़े थे ना। हाँ सर। अभी तो दूसरे के तो पता नहीं क्या क्या हरकतें हो रही होगी, जो बच्चे बता भी नहीं रहे, जो बच्चे और नालायक है जिनका तो मैं नाम भी नहीं जानता ना, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंटरेक्टिंग विद मी, सो व्हाई शुड आई हैव इंटरेस्ट इन देम, ये कोई स्कूल तो है नहीं। तो थोड़ा सा यार स्टडी के पैटर्न को इम्प्रूव करो, बिकॉज वापस बोल रहा हूँ, बिना पैशन के, बिना आग लगाए, बिना सेक्रीफाइस करे जेई नहीं क्लियर होगा, बस तुम्हारा बोर्ड अच्छा हो जाएगा, समझ में आ रहा है? वो तो वैसे ही कर रहे हो, फिर इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो हम सबका? अगर एक लाइफ में कुछ करना चाहते हो, आईआईटी का ब्रांड नेम चाहिए, सेक्रीफाइस तो करने पड़ेंगे, ईजी कुछ नहीं है, ये तुमको खुद को फील हो जाना चाहिए कितना इंटेंस कॉम्पिटिशन है यार, अपने क्लासेस में कितना इंटेंस है, हाँ या नहीं? हाँ सर। यस सर। यस सर। अभी तो तुम सोचो कि दूसरे बैचेस के साथ कंबाइन, फिर ये तो सिर्फ फेस की कहानी है, फिर पूरे इंडिया में तो कितने बच्चे हैं और तुम आराम से इजी कप ले रहे हो, अरे ठीक है एक डेढ़ घंटा पढ़ लिया, थोड़ा खेलते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं, मोबाइल भी खेलना है। और अभी तो उन बच्चों से तो बात ही नहीं हुई जो अपने पेरेंट्स की कुछ नहीं सुनते, जो इरिटेट होके बस तमाशा करते हैं, वो तो बच्चे है ही नहीं, चारों में से नहीं है, कम से कम चारों सिंसियर तो हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो अलग बात है। नहीं पढ़ना चाहते हो तो प्लीज, मतलब एक होना चाहिए यार इतना सिंपल ऑनेस्टी टू यू एज वेल एज योर पेरेंट्स कि नहीं कर रहे हो तो कुछ पहले से बोल दो कि मैं एप्टीट्यूड के लिए गेन कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं कि मैं बहुत फाड़ मारूंगा, मतलब उतना मैच्योर बन के करो, और करना चाहते हो तो बिल्कुल एडमेंटली करो, ईजी गोइंग नहीं होने वाला ये। मैं अपनी स्टडी आवर्स में करता था, मुझसे तो रात को पढ़ाई नहीं होती थी, मेरे से तो मॉर्निंग में पढ़ाई होती थी, कभी मैंने बताया ऐसा ये बारे में? नहीं सर। आपका शेड्यूल सर, आपका शेड्यूल बताओ ना। यार शेड्यूल की कोई बात नहीं, शेड्यूल की बात नहीं, शेड्यूल तो मैंने आइडियल बता दिया, मैं भी उसी तरीके से पढ़ाई करता था। मैं जब 11th में आया था जेई से पहले, तब मेरा वेट बहुत कम था, मतलब मैं बहुत पतला था, दो साल जेई के बाद इतना पढ़ पढ़ के बस सोफे पे बैठा, पढ़ाई की स्टडी टेबल पे बैठा, पढ़ाई की सोए, थोड़ा बहुत खेलता था बट ज्यादा नहीं खेलता था। मैं नहीं बोल रहा हूँ वो सब, मैं सही चीजें कर रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ कि मेरा पैशन था, मैंने वेट गेन इतना कर लिया था, क्यों? क्योंकि बस स्टडी पे फोकस था, बट वो क्लियर किया। मैं ऐसे कोरिलेशन नहीं करा रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि यस वो पैशन होना पड़ता है। मैं इसे रात को पढ़ाई नहीं होती थी तो आई यूज टू स्लीप अर्ली एंड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बट नींद सबको प्यारी है यार, सबको नींद आती है उस एज में, सबको आती है, 5 बजे का अलार्म लगा के मैं सोता था, बट कभी कभी अपने आप हाथ चले जाता है, उठने की इच्छा नहीं होती है, योर कॉन्शियस वो पूरे जगह में नहीं होते और हाथ चले जाता है ना। यस सर। माय फादर तो जग जाते थे, फादर सबके जग जाते हैं, बट समटाइम्स ही यूज टू वेक मी अप, समटाइम्स ही पर्पसफुली फोर्सफुली, मतलब मुझे जगाते नहीं थे, यूज टू मेक मी स्लीप कि एटलीस्ट लेट्स से कि आज इस वीक में इसकी थोड़ी नींद कंप्लीट हो जाएगी, बट देन व्हेन आई यूज टू वेक अप एंड रियलाइज कि यस पूरे 6:30 बज गई, इतनी गिल्टी फीलिंग आती थी, दर्द होता था अंदर, सच्ची बता रहा हूँ, दर्द होता था यार ऐसा ऐसा कि टाइम वेस्ट हो गया। वो पागलपंती, वो पैशन चाहिए, उसके बिना जेई नहीं क्लियर होता है, समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। वो थोड़ा पैशन चाहिए, जैसा पैशन है कुछ बच्चों में, फाइट मारते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं, वो पागलपंती है, वो होनी चाहिए। अगर तुम सोच रहे हो इजी कप ऑफ टी है, नहीं इंटरेक्ट करना है, नहीं मेरे को तो कंफर्टेबल इसमें कि मैं इंटरेक्ट नहीं करूंगी, ठीक है मत करो, फिर मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली 2 ईयर्स डाउन द लाइन बहुत मुश्किल है चांस। जेई में जब तक दिमाग नहीं खुलेगा तुम्हें क्वेश्चन इतने क्रैक नहीं होने वाले, तुम सबको पता है कितने पेरेंट्स मेरे पास कॉल करेंगे, ये बोलेंगे पढ़ाई करता है करती है बट मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो कोई जादू होगा क्या? सब पढ़ाई कर रहे हैं, सबको कंसर्ट समझ में आ रहे हैं क्योंकि हम अच्छी तरह समझाते हैं, बिकॉज वी आर इन टू दैट सेम स्ट्रीम, मैं खुद IIT था, मैं खुद कराया ये सब, तो यस वी टीच वेल, दैट वी नो, इतने सालों से फीडबैक देख के। बट तुम नहीं कर रहे हो तो उसका बहुत बड़ा कारण ये नहीं है कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पढ़ाई तो कर रहे होगे, बहुत बड़ा कारण तुम इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो,
जब तक इंटरेक्ट नहीं करते हैं तुम्हारी मिस्टेक्स, तुम्हारा कॉन्फिडेंस राइज नहीं होता है. एंड इट्स ऑल अबाउट लेटर ऑन कॉन्फिडेंस की बात है सब. जब ओपन अप हो गए, डाउट पूछोगे तब दिमाग खुलता है. दिमाग खुलता है तो फिर क्वेश्चन जल्दी क्रैक होते हैं. नेक्स्ट टाइम डाउट पूछोगे और दिमाग खुलेगा, फिर नेक्स्ट टाइप उस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन में और अच्छे तरह दिमाग चलेगा. बट वही तुम रिजर्व हो, कौन बोलेगा, सर कभी डांट देते हैं अगर इतने अफ्रेड हो, सर कभी डांट, या दूसरे बच्चे क्या सोचेंगे. फिर ठीक है, तुम खुद ही अपने लिए प्रिपेयर कर रहे हो ऐसा. ऑब्वियसली मेरा भी मूड कभी खराब होता है, मेरा मूड कभी अच्छा होता है. मैंने सहा था मेरे फैकल्टी से, तो तुम सहो मेरे से, लाइक दैट. और ये भी सोचा कि मैं कितने सारे बच्चों को हैंडल कर रहा हूँ, तो कभी अप्स एंड डाउन आते हैं. अब कितने बच्चे किस तरीके के नालायक होते हैं, किस तरीके के अच्छे भी होते हैं. अब मैंने बोला ये करके आओ, तो अपने हिसाब से कुछ और करके आ गए, तो यार ऑब्वियसली गलत तो लगेगा. स्टडीज तो तुम्हें जैसे मैंने बताया ये आइडियली यही वे है, थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा पढ़ाई करो. बट ये नहीं होना चाहिए कि रेस्ट के बीच में पढ़ाई घुसा रहे हो, समझ रहे हैं नालायक. ये रेस्ट के बीच में पढ़ाई घुसी है यहाँ पे पूरी. पढ़ाई के बीच में रेस्ट कर लो, थोड़ा सा एंजॉय कर लो. मोबाइल मोबाइल तो भूल ही जाओ यार, सोशल मीडिया और ये सब, ये सबको सेक्रीफाइस करना चाहिए. तुम सोचो एक स्टेप तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो, मान के चलना एक स्टेप तुम एक चीज सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो तुम्हारी 100 रैंक प्लस हो रही है, ये मान के चल लेना मेरे साथ पक्का. तो तुमने अगर एक साल में 100 चीज सेक्रीफाइस किए, तो तुम्हारी 1000 रैंक 10,000 इंप्रूव हो गई, समझ रहे हो क्या. यस सर, यस सर. पापा मम्मी जा रहे हैं किसी की शादी में 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, तुमने वो सेक्रीफाइस किया, तुम्हारे रैंक 1000 इंप्रूव हो गई, यूं समझ लो इस तरीके से. एवरी डे काउंट्स. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कभी फ्रस्ट्रेट हो गए तो रेस्ट भी लो, बट हर चीज को समझना है कि जय सेक्रीफाइस जितना कम कर सको तब लो. एनीथिंग एल्स सर, आपका अभी का शेड्यूल कैसा है? अभी का शेड्यूल का तेल लगाना क्या करना है उसका, मैं क्या करता हूं सर. अभी आईआईटी बनते हैं तब प्रॉब्लम. कितने घंटे पढ़ाते हो लोगों को, मतलब लेक्चर्स कितने टाइम का? हमारा शेड्यूल बहुत वेरिएट होता है, तेरे को नहीं पता है. कभी मॉर्निंग में होता है, कभी शाम के क्लासेस भी होती है, कभी नहीं होती है, डिपेंड्स, वो तू समझ में नहीं. पर तो ऑल इन ऑल आप कितने बैचेस को पढ़ाते हो? अच्छे 11th के, अब जैसे कितने 3 बैच हैं, 200 200, तुम्हारे जो भी 100 100 के. फिर 12th के 5 बैच हैं, 12th के 5 नहीं 6 हैं. फिर जेई जो दे रहे हैं उनके डाउट सेशन लेता हूँ मैं कभी कभार. तो है यार, मतलब बहुत सारे बैचेस हैं, मतलब ऑल ऑन अगर टोटल बच्चे काउंट करेगा तो समझ ले मैं 2400-2500 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ. भाई साहब 2200 मिला के, तुम तो 11th के हो, 11th 12th 13 मिला के, तो तुम तो 11th के हो, फिर 12th है, फिर 13th वाले मतलब जो बच्चा भी जेई दे रहे हैं. ड्रॉप आउट नहीं, जो जेई दे रहे हैं. ड्रॉप आउट तो आजकल मुंबई में इतने कोई करते नहीं है. तो समझो मतलब कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ या मैं तुमसे इंटरेस्ट लूंगा तभी जब तुम मुझसे इंटरेक्ट करोगे, समझ में आ रहा है? हाँ सर. अदरवाइज तुम्हारी मम्मी फोन उठा देगी कि ये मतलब कोई भी बच्ची, मैं इसके मार्क्स नहीं आ रही, पढ़ रही है. अरे वो पहली बात, कितनी चीजें प्रॉब्लम हो सकती है, वो पढ़ाई कर रही है, आपको पता भी है पढ़ाई कर रही है, तो पढ़ाई कर रही है तो उसके बाद डाउट से पूछेगी, तो वैसे भी मार्क्स की कोई गारंटी नहीं है. तुम्हें ऐसा लगता है क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो बस मार्क्स आ जाएंगे अपने आप ही? नहीं सर, नहीं सर. योर रैंक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू थिंग्स. फर्स्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू सॉल्व. ऑब्वियसली क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाओगे जब क्लास में अच्छी तरह इंटरेक्ट करके पढ़ोगे. एंड सेकंड इज नंबर ऑफ डाउट्स यू क्लियर. क्या बोला? सही बताया था फर्स्ट लेक्चर. हां, क्या बोला वापस बोलो. नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू सॉल्व एंड नंबर ऑफ डाउट्स यू क्लियर. डाउट्स यू क्लियर. अब डाउट्स आज दूसरा अधूरा है, समझ रहे हो ना? एक के बिना दूसरा उधर है, मतलब अगर क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हो, डाउट नहीं पूछ रहे हो, तो किसी काम के नहीं हो. समझ गए मेरी बात? यस सर. यस. दूसरे कम ही होते हैं, बट दूसरे वो भी बच्चे होते हैं जो सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं और मेहनत कुछ नहीं कर रहे हैं. ये भी होते हैं ना कभी का नमूने ऐसे. अरे डोंट से एनी नेम, एंड कोई है नहीं हमारे बैच में तो कोई ऐसा नहीं है, बट प्लीज अंडरस्टैंड दोनों चीज इंपॉर्टेंट है. कितने ही बच्चे मैंने देखे हैं गर्ल्स स्पेशली कि नहीं पूछना है, नहीं इंटरेक्ट करना है, सब टू यू. शाय होते हैं, आई नो. ठीक है यार बच्चों, अभी सब हम सब इतने फ्रैंक हैं. तुम सबसे कितना फ्रैंक होता हूँ ना मैं? यस सर. यस मैम. फ्रैंकनेस यूं थोड़ी ना कि मस्ती के लिए, फ्रैंकनेस है ताकि तुम ओपन अप होके अच्छे तरह डाउट पूछो. बट कभी कभी यस
सिली डाउट को बार बार पूछ रहे हो, सिली डाउट में तुम मेहनत नहीं कर रहे हो तो डाट के लिए भी थोड़े से तैयार हो, बट डाट इज माइनर डाट जस्ट टू गेट यू करेक्टेड. किसी को एम्बरेस करने का कोई पर्पस नहीं है हमारा यार. क्लियर? यस सर. यस सर. चलो भाषणबाजी बहुत हो गई. ओके ये इंस्ट्रक्शंस याद रहेंगे ना टेस्ट वाले? हाँ सर. हाँ सर. ट्यूसडे को टेस्ट होगा, ये सिलेबस है, कल का लेक्चर नहीं होगा. क्लियर? यस सर. यस सर. यस. ओके कुछ होमवर्क क्वेश्चंस की बात कर रहा था आर्यमन दो. हाँ सर. हाँ सर, दो होमवर्क क्वेश्चन थे, उसको डिक्टेट करूं? एक मिनट, ये वाला था क्या पहला? हाँ सर. ये ये तो आज क्लास की शुरुआत में मैंने पूछा, हो गया, तुमने बोला हो गया. एक बार आंसर चेक. नहीं नहीं सर, और दो सिमिलर क्वेश्चन हो, मतलब मुझे सॉल्व करके दिखाना है या सिर्फ आंसर शेयर करूं? आंसर शेयर कर दो सर. चल मैं सॉल्व भी कर रहा हूं क्योंकि मुझे आंसर याद भी नहीं है. सबसे पहले इसको उड़ा दिया, करेक्ट एवरीवन? यस सर. फिर इसको उड़ा नहीं सकते, इसको उड़ा नहीं सकते, इसको नहीं, इसको नहीं, बस. तो क्रिटिकल पॉइंट मार्क करो. साइन एक्स का कहां से कहां तक लेना है? 0 से 2 पाई. साइन एक्स के क्रिटिकल पॉइंट 0, 2 पाई एंड पाई. पाई इसका अच्छा. हाँ ठीक है. इसका कॉस एक्स इक्वल टू हाफ, करेक्ट बच्चों? हाँ सर. फर्स्ट एंड फोर्थ में, फर्स्ट में होगा 60 डिग्री. हाँ सर. यस सर. और फोर्थ के लिए होगा 2 पाई माइनस पाई बाय 3. पाई बाय 3. पाई बाय 3, करेक्ट बच्चों? यस सर. इसके लिए sin x equals to 1 by root 2, that is first and second quadrant. First and pi by 4. 3 pi by 4. 3 pi by 4. सही मार्क किया? हाँ सर. हाँ सर. नेक्स्ट x equal to 3. तो 3 क्या होगा? पाई से जस्ट छोटा होगा. कम ऑन, एग्री करो? हाँ सर. अब ये मार्क कर लिया. अब नॉर्मल बेबी कर्व की तरह यहाँ पे प्लस मत लिख देना, समझ में आया? यस सर. तो एक वैल्यू लिखनी पड़ेगी. 0 से पाई बाय 4 में. 0 से पाई बाय में 0 से 45 के बीच में कोई भी एंगल ले लो, तो मैं तो 0 प्लस पॉजिटिव ही रहेगा. बस 0 प्लस, मतलब कोई एंगल 0 प्लस क्या है? 1 डिग्री 2 डिग्री, समझ गए? यस सर. वैल्यू 1 डिग्री 2 डिग्री पे ये क्या होगा? पॉजिटिव. पॉजिटिव 1 डिग्री के आसपास इसकी वैल्यू 0.99 होगी, एग्री करो? यस सर. यस सर. 1.98 माइनस 1 पॉजिटिव. Positive. Positive. ये 1 डिग्री के आसपास बहुत छोटा होगा, एग्री करो? नेगेटिव. ये ओवरऑल नेगेटिव होगा, हाँ है ना? यस सर. ओके अगर मैंने एक्स को 1 डिग्री के आसपास रखा है तो -3 वापस नेगेटिव होगा, एग्री करो? यस सर. पॉजिटिव हो जाएगा. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव. पॉजिटिव. अब हर जगह साइन चेक करना है या चेंज होगा? चेंज होगा. चेंज करना है. फ्रेंड्स के अब कौन से साइन पिक करना है? Positive. Is that clear? Yes sir. Yes sir. कोई डाउट इसमें? No sir. No sir. Clear ना? Yes sir. Yes sir. और sir दो और question थे. हाँ sir. कुछ copy करना है तो 10 seconds में कर लेना. या फिर समझ लिया तो वो भी बेटर है. हाँ दो क्वेश्चन इसी लेक्चर में थे? नहीं सर, पहले के लेक्चर में थे. पहले के यार नोट्स ही रब आज ही इरेज कर दिए मैंने. चल बता क्या थे फर्स्ट क्वेश्चन? इट वाज सर ये वाले नोट्स के भी स्टार्टिंग में थे, आपने डाले थे सर. cos 4x माइनस sin 4x प्लस cos 2x सर. cos पावर 4x, सॉरी सर, cos पावर 4x, जल्दी हो गई सर. sin पावर 4x प्लस cos 2x प्लस a स्क्वायर प्लस a इक्वल टू 0. इसका आंसर एनीबॉडी? सर a इज बिटवीन 1 एंड माइनस 2. 1 एंड माइनस 1 एंड माइनस 2. माइनस 2 ऐसे कोई बोल रहा है क्या? माइनस 2 टू 1 ना. डाउट है क्या किसी को? या करेक्ट आंसर है क्या ये? सर करेक्ट आ रहा है. पता नहीं. तो ये क्वेश्चन करेक्ट है ना? हाँ सर. क्वेश्चन करेक्ट. कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस टू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू जीरो.
ये तो वन हो गया, ये cos 2x ही है, तो cos 2x plus cos 2x 2 cos 2x, करेक्ट बच्चों? यस सर, इज माइनस cos 2x इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a, फिर इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, सो माइनस cos 2x प्लस 1/4, इस टर्म को लेफ्ट साइड में लाया, इज इक्वल टू a प्लस हाफ का होल स्क्वायर, कम ऑन, यस सर, यस सर, अब इसकी रेंज निकाल ली, इसकी माइनस 1 से 1, इसकी माइनस 2 से 2, माइनस 2 से 2, इसकी भी माइनस 2 से 2, प्लस 1/4 करना है, यस सर, कितना हो गया है, माइनस 2 प्लस 1/4 कितना होता है, माइनस 7/4, माइनस 7/4 से 9/4, 9/4, अब a प्लस हाफ होल स्क्वायर का हमेशा पॉजिटिव होता है ना बच्चों, हां सर, 0 टू इनफिनिटी, 0 टू इनफिनिटी, होल स्क्वायर को हमेशा बस किससे छोटा होना पड़ेगा, यस 9/4, 9/4 बताओ ना, उसके बीच में होगा, अगर 9/4 से बड़ा हो गया फिर तो नो सॉल्यूशन हो जाएंगे ना, यस सर, यस सर, सो बस कैन आई से इसी को सॉल्व करना है एवरीवन, यस सर, प्लस हाफ बिलोंग्स टू माइनस 3/2 से माइनस 3/2, यस सर, याद है, एक्स स्क्वायर लेस देन 3, यस सर, यस सर, सो ए माइनस हाफ कर दूंगा अब, माइनस 2 से 1, करेक्ट आंसर, यस सर, थैंक यू, यस सर, यस, क्लियर, यस सर, यस सर, स्क्रीनशॉट ले लो या बस समझ लो, खुद से करना फिर बाद में, मैं ये वाले नोट्स आ ही जाएंगे तुम्हारे आज ही के लेक्चर में, नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन, और कोई √3 sin 2x - cos 2x, करेक्ट क्वेश्चन बोला है, तो एक तो ओपन कर सकते हैं, बट वो तो बेकार मेथड है, अच्छा मेथड क्या है, 2 sin a cos b यूज करो, 2 sin a cos, यस सर, sin a cos b यूज करो, तो 2 sin a cos b इज sin a plus b, तो pi by 3 minus pi by 6, 2 pi by 6 minus pi by 6 is pi by 6 I think, यस सर, प्लस yes. sin of a minus b, x x कैंसिल हो जाएगा, pi by 3 plus pi by 6, 3 pi by 6, pi by 2, सही लिखा है क्या, यस सर, इज इक्वल टू ये, तो 2 sin 2x plus pi by 6 plus 2 into 1, 2 is equals to a square plus, यहाँ पे भी एक trigonometric function में convert कर सकता हूँ, correct, हाँ सर, yes sir, बेटर है इसको ऐसे ही रहना दो, उस वाले को ओपन करके कैंसिल करेंगे, वो बेटर, हाँ सर, यस सर, अब इसको ओपन कर रहा हूँ, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए, साइन ए कॉस बी, कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, प्लस कॉस ए साइन बी, सही लिखा है ना, हाँ सर, यस सर, अब तो हो जाएगा तुम सबसे यार, कम ऑन, टू साइन, हाँ सर, रूट थ्री साइन, रूट थ्री साइन टू एक्स कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर कितना आ गया, 2 प्लस 2 कॉस 2x, लिखा है ना, और कोई होमवर्क क्वेश्चन, चलो आज एंजॉय करा तुमने, है ना, नेक्स्ट लेक्चर से एनी क्वेश्चंस चालू करेंगे और डाउट्स भी करेंगे, क्लियर, ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास का टारगेट है, नेक्स्ट लेक्चर मंडे को होगा, तो काफी टाइम है तुम्हारे पास, हां सर, राइट, सो मिनिमम 2a और 2b थोड़ा करके आओगे तो आई विल बी इंप्रेस्ड, मिनिमम 2a तक तो करना ही है पूरा, सुन लिया, हां सर, हां सर, यस सर, यस सर, चलो बाय बाय, बाय सर, थैंक यू, बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर।